नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मैसी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सैम एडवेंचर्स में, जहां हम ट्रैवल और एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को देते हैं। आज दोस्तों हम बातचीत करेंगे ट्रैवल में टूरिस्ट के साथ होने वाले स्कैम्स के बारे में। देखिए, स्कैम आपके साथ किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। कुछ कंट्री में परसेंटेज कम हो सकता है, कुछ कंट्री में ज़्यादा हो सकता है, और खाली इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके साथ टूरिस्ट वाले स्कैम हो सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, आप गोवा जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं महाराष्ट्र घूमने के लिए, या आप जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पे भी टूरिस्ट के साथ स्कैम होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल स्कैम होते हैं, हमारे इंडिया में भी स्कैम होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, और हर एक कंट्री के अंदर स्कैम नहीं होते। देखिए, अगर आप इजिप्ट जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे स्कैम होते हैं टूरिस्ट के साथ, लेकिन अगर हम जा रहे हैं श्रीलंका में तो थोड़े कम आपको स्कैम मिलेंगे, लेकिन स्कैम होते हैं हर एक कंट्री के अंदर। आज हम बातचीत करेंगे थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड में टूरिस्ट के साथ क्या क्या स्कैम होते हैं, देखिए दोस्तों, आप उन स्कैम को देखेंगे कि क्या क्या स्कैम होता है, आप उनसे डरिएगा नहीं। आप इस चक्कर में आप थाईलैंड जाने का अपना जो है विचार वो स्थगित ना कर दें, कैंसिल ना कर दें। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे आपके साथ क्या क्या वहाँ पे स्कैम हो सकते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। कुछ कॉमन स्कैम है, कुछ ऐसे स्कैम है कि वो इंडिया में भी आपके साथ हो सकते हैं, और कुछ हैं कि जो थाईलैंड के अंदर ही होते हैं। आइए हम उन स्कैम्स के बारे में बातचीत करते हैं, वो स्कैम क्या क्या है, देखते हैं कि कौन कौन से स्कैम आपके साथ थाईलैंड के अंदर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो स्कैम है वो आपको एयरपोर्ट से निकलते ही आपके साथ हो सकता है, वो है टैक्सी स्कैम। वो टैक्सी स्कैम क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर भी वो स्कैम मिल जाता है कि अधिकतर टैक्सी और ऑटो वाले क्या हैं, वो मीटर से नहीं चलना चाहते। ये सेम प्रॉब्लम आती है थाईलैंड के अंदर भी। जब भी आप थाईलैंड जा रहे हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं आप अपने होटल के लिए, अगर आप टैक्सी लेना चाहते हैं तो 95% जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो आपसे जो भी आपका टैक्सी का फेयर है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा मांग सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके जो लग रहे हैं 100 baht 200 baht लग रहे हैं, तो वो शायद आपको 400-500 baht बोल सकते हैं। तो आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं, देखिए ये कॉमन है। वो आपको बोलेंगे कि मीटर उसका एक्टिवेट नहीं है, मीटर ख़राब है, या आपको बोलेंगे कि एक आपका इतना अमाउंट लगेगा। आप पहले गूगल मैप पे देख लीजिए कितना डिस्टेंस है, फिर आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए कि आप मीटर से जाएं, और मीटर में भी आप अपना गूगल मैप को खोल लें, अपने एयरपोर्ट से लेकर डेस्टिनेशन तक आप देख लें कितना किलोमीटर है, वो ठीक रोड से ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे, आप इस स्कैम से बच सकते हैं। देखिए वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में ओला है, उबर है, वैसे ही थाईलैंड के अंदर ग्रैब टैक्सी है। तो आप एयरपोर्ट पहुँचते ही वहाँ पे उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उस ऐप के थ्रू जा सकते हैं, उस ऐप के थ्रू ग्रैब टैक्सी को बुक करके जा सकते हैं, या आप कर सकते हैं प्रीपेड टैक्सी। एयरपोर्ट से थोड़ी महंगी होगी, लेकिन वो जो बाहर टैक्सी वाले हैं उनसे थोड़ा सस्ता पड़ेगी। या आप तीसरा ऑप्शन ले सकते हैं, जब आप अपनी होटल बुकिंग करा रहे हैं तो बहुत से जो पोर्टल्स हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, booking.com हो गया, वो आपको एक ऑप्शन देते हैं पिकअप एंड ड्रॉप का। तो आप वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर अपने होटल तक का पिकअप ले सकते हैं, प्रीपेड होता है, और वो आपको एक चीप मिलेगी सर्विस। लेकिन आप उस स्कैम से बच सकते हैं जो टैक्सी वाले वहाँ पर मीटर से ज़्यादा मांगते हैं। अगर आप वहाँ लोकल भी घूम रहे हैं, अगर आप किसी भी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, तो वहाँ आप मीटर से ही जाने की कोशिश कीजिएगा, या आप उनसे पहले ही बातचीत कर लीजिएगा, और बार्गेन करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वहाँ टैक्सी वाले हैं वो बहुत ज़्यादा चार्जेस करते हैं बैंकॉक के अंदर और पटाया में थाईलैंड के अंदर। आप अपने होटल से बातचीत कर सकते हैं, किसी से वहाँ राय ले सकते हैं, होटल के अंदर जो डेस्क बने होते हैं ट्रैवल डेस्क, कि वहाँ से होटल से लेकर जिस आप डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं वहाँ तक के कितने चार्जेस बनेंगे। तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं। पहला स्कैम है टैक्सी ड्राइवर्स स्कैम। ये दोस्तों जानते हैं दूसरा स्कैम थाईलैंड में कॉमन स्कैम कौन सा है, वो है टुक टुक। देखिए, अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं और टुक टुक में ना बैठे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टुक टुक वहाँ पे एक कॉमन है, जैसे इंडिया में ऑटो रिक्शा चलते हैं, बैटरी रिक्शा है, उसी प्रकार से थाईलैंड में टुक टुक चलते हैं, उनमें कोई मीटर्स नहीं होते, लेकिन वो एक आपसे अमाउंट ले लेते हैं, वो स्कैम वहाँ पे कॉमन है। देखिए, जब भी आप जा रहे हैं तो वहाँ बार्गेन करना ना भूलें, क्योंकि वो आपसे 100 baht 150 baht 80 baht तक आपसे मांग सकते हैं। तो आप उसको बार्गेन जरूर कर लें, आप अपने होटल से कंफर्म कर लें वहाँ तक का कितना चार्जेस लगेगा,
और आप जब जा रहे हैं तो अच्छे से बातचीत कर लें। काफ़ी दफ़ा होता है कि उन्होंने आपसे मांगे 80 बात, आपने बार्गेन की 60 बात हमने देने हैं, लेकिन जब आप डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जाके आपसे झगड़ा करने लगते, नहीं आप उन्होंने 80 बात ही बोला था 80 बात, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे देना पड़े। तो आप, ये कॉमन स्कैम है, जब भी आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं टुक टुक के द्वारा, तो पहले उनसे अच्छी तरह कन्फर्म कर लें कि कितने चार्जेज हैं। दूसरा है, आपको काफ़ी दफ़ा जो है टुक टुक वाले बहुत कम चार्जेस भी बोल देंगे, बोलेंगे 20 बात 30 बात, लेकिन आप उस स्कैम में होने से बच जाएं, क्योंकि वो आपको जहाँ जाना है वहाँ ना ले जाके किसी और डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे जहाँ पे एंट्री टिकट महंगी होगी, या आपको कुछ और करने के लिए बोलेंगे, या किसी एक ऐसे शॉपिंग डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे जहाँ उनकी कमीशन होती है। तो आप उस स्कैम से भी बचें, जहाँ आपको जाना है उसी जगह जाएँ, ओपन है या क्लोज है वो पहले आप नेट के ऊपर से देख लें, अदरवाइज आप उस स्कैम में फंस सकते हैं, क्योंकि वो आपको बोलेंगे आज वो बंद है या आज वो क्लोज है या लेट खुलेगा, मैं आपको ऐसी जगह ले चलता हूँ जो वहाँ पे चीप है, आप उससे बचें, क्योंकि वो आपको कम रेट पे 20 बात में तो ले जाएगा वो, लेकिन वो आपको ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ आपकी जेब कट सकती है, आपसे किसी भी चीज़ के लिए मोटर चार्जेस ले सकते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, या आपको ऐसी जगह ले जाएगा जैसे आपको टेम्पल्स घूमने, तो कहेगा कि आप बोट से घूम लीजिए, 3 टेम्पल्स आपको घुमा देंगे, 4 टेम्पल्स घुमा देंगे, लेकिन उनके चार्जेस 1000 बात, मतलब 2400 रुपीज़ इंडियन करेंसी के अंदर हो सकता है। आप इससे चौकस रहें, आप पूरी एटनरी जो आपने बनाई है उसको फॉलो करें, आपने जो भी है, आप थाईलैंड जा रहे हैं बैंकॉक या पटाया घूम रहे हैं, तो पूरी एक एटनरी बना लें, क्या क्या आपको देखना है उसके अकॉर्डिंग ही चलें, किसी की बातों में वहाँ पर ना आए। ठीक है, तीसरा जो स्कैम होता है होटल बुकिंग में, ये खाली थाईलैंड में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके साथ किसी भी जगह हो सकता है, थाईलैंड के अंदर थोड़ा शायद ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग की है या किसी भी, अगर आपने चीप होटल को लिया हुआ है, हर होटल्स के अंदर नहीं होता है, अगर आपने अच्छे होटल बुक किए हुए हैं, या अगर आपने बुक किया हुआ है मेक माई ट्रिप से या किसी अच्छे पोर्टल से अगर आपने बुक किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको वहाँ पे अच्छी सर्विस मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट बुक किया हुआ है कोई होटल, या आपने वहाँ जाके ही बुकिंग की है, तो उसके अंदर आपको एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब भी आप वहाँ किसी भी होटल के अंदर चेकिंग करते हैं तो वैसे ही आपको वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ये ऑलमोस्ट हर जगह ही होता है कि आप जब भी होटल में चेकिंग कर रहे हैं तो आपको एक कुछ सिक्योरिटी अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट करना होता है, वो 1000 बाट से लेकर 3000 बाट तक हो सकता है थाईलैंड के अंदर। तो आप याद रखिएगा, जब भी आप चेकआउट कर रहे हैं तो आप अपने रूम को चेकआउट करने से पहले हाउसकीपिंग को कॉल कर दें, वो आके अपने रूम को आप उनको दिखा दें, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है, ऐसा ना हो कि जब आप चेकआउट कर रहे हैं और जब आप रिसेप्शन पे जा रहे हैं तो बोले कि हमारा कोई एक आदमी जाएगा जो रूम को चेक करेगा, और फिर वहाँ से कॉल आए कि आपने उनके तकिए को या आपकी बेडशीट को या किसी चीज़ को आपने उसको डैमेज कर दिया है या किसी चीज़ को तोड़ दिया है, तो आप उससे बच सकते हैं उस स्कैम से, क्योंकि उसमें फिर आपको काफ़ी मोटी रकम देनी हो सकती है, 500 से लेकर 3000 बाट तक वो आपसे चार्ज कर सकते हैं कि आपने उनके पिल्लो को, आपकी उनकी बेडशीट या किसी गिलास को आपने डैमेज कर दिया है। तो आप जब भी चेकआउट करें तो आप रिसेप्शन पे या हाउसकीपिंग में कॉल कर दें, जो आकर रूम को चेक कर लेंगे, आप उनको चेक करा दीजिए अच्छी तरह, उनको की हैंड ओवर कर दीजिए, जिससे कि आपको चेकआउट में दिक्कत ना हो और वो भी कोई भी आपके ऊपर वो ब्लेम ना लगाए। तो आप पहले जब भी हो तो आप चेक कर लीजिएगा, और देखिए जब भी आप होटल बुक कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे एजेंट के थ्रू या अच्छी वेबसाइट के थ्रू बुक करें, और जो आपको अच्छी सर्विस दे। देखिए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं और अगर आपने होटल बुक किया, अगर आपको वहाँ रूम अच्छा नहीं आया, अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग की हुई है, तो हो सकता है कि वो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस मांगने लगे अच्छे अपग्रेड रूम के लिए, या जो आपने रूम बुक किया है वो आपको ना दें। तो जब भी आपने किसी अच्छे एजेंट या किसी भी अच्छी वेबसाइट से बुक किया होता है तो वो अच्छी सर्विस देते हैं, आप उनको वहाँ से कॉल कीजिए, वो एकदम से आपका रिप्लाई करेंगे और आपके लिए अच्छे रूम को अवेलेबल करा देंगे। दोस्तों, जो चौथा कॉमन स्कैम है जो थाईलैंड के अंदर होता है, क्योंकि जब भी आप थाईलैंड के अंदर जा रहे हैं बैंकॉक या पटाया के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है कि जब भी आप वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या होता है कि आप स्कूटी या कोई भी टू व्हीलर को वहाँ पे आप हायर कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, किराए के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीप है, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो शायद 400-500 रुपये में आपको मिल जाते हैं एक दिन के लिए, जिसमें आपको पेट्रोल भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे एक स्कैम वो आपके साथ कर देते हैं। हर एक जगह नहीं होता, थोड़ा पटाया में ज़्यादा है, बैंकॉक में कम है, और सब एजेंट्स नहीं करते, कुछ एजेंट्स आपके साथ ऐसा करते हैं, और ये गोवा के अंदर भी देखा गया है और थाईलैंड में तो
ऑब्वियसली बहुत से लोग लेते ही हैं बाइक किराए पे, तो जब भी आप वहाँ बाइक को ले रहे हैं, स्कूटी को ले रहे हैं, तो उससे पहले जिससे भी आप ले रहे हैं सारे स्क्रैचेस को, जो भी डैमेज है वो पहले चेक कर लें, उसकी फ़ोटो खींच लें, जिससे आपने लिए हायर पे उसके साथ एक फ़ोटो खींच लें, जो भी डैमेज है, जो भी स्क्रैच है पहले से ही उनको दिखा दें। ऐसा ना हो कि जब आप उसको बाइक को वापस करें तो आपसे मोटे पैसे मांगे जाएं कि आपने इसको डैमेज कर दिया है, आपने इस पर स्क्रैचेस लगा दिए हैं, अब आपको इतने पैसे देने होंगे, 5000 बांट देने होंगे, 10000 बांट देने होंगे। आप उससे बच सकते हैं, जो भी वहाँ पे आपको परेशानी होगी उससे बचने के लिए जब भी आप अगर आप मोटर बाइक स्कूटर ले रहे हैं, या आप पटाया में जेट स्की ले रहे हैं, या आप वाटर स्कूटर पे जा रहे हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर घूमने के लिए और राइड का मज़ा लेने के लिए, तो टू व्हीलर में या आपकी जेट स्की है या वाटर स्कूटर है, आप उसको पहले से अच्छे से चेक कर ले, कोई डैमेज नहीं है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि उसके लिए आपको ढेर सारे पैसे देने पड़े, क्योंकि जब भी आप स्कूटर को लेते हैं, वहाँ पे स्कूटी को लेते हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट या कुछ सिक्योरिटी देना होता है, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। तो अगर आपने पासपोर्ट दिया तो आपको उसको वापस लेने के लिए हो सकता है कि फिर आपको पैसे देने पड़ जाएं कि आपने डैमेज कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा कि जब भी आप ले रहे हैं अगर उसमें कोई डैमेज है तो आप वीडियो बना लें, उसकी फ़ोटो खींच लें और उनको दिखा दें कि ये आपका पहले से ही डैमेज है, कहीं ऐसा ना हो कि जब आप उसको वापस करने के लिए आएँ तो आपको मोटी रकम देनी पड़ जाए। तो आप इससे बचने के लिए पहले ही चेक कर लीजिएगा। देखिए, पांचवा जो वहाँ पे कॉमन स्कैम है वो है टूरिस्ट पुलिस का। देखिए, अगर वहाँ पे जाके आप कहीं गंदगी फैला रहे हैं, थूक रहे हैं या कागज़ फेंक रहे हैं, कुछ भी गंदगी कर रहे हैं वहाँ उस कंट्री को जाके अगर आप गंदा कर रहे हैं, देखिए अपने ही देश में भी आप ले लीजिए, आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं करनी है, कहीं भी थूकना नहीं है, कहीं भी कुछ फेंकना नहीं है। और जब आप विदेश में जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को देख लें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको काफ़ी पैसे जुर्माने के रूप में देने पड़ सकते हैं, तो आप उस जुर्माने से बच जाएं। और एक वहाँ कॉमन स्कैम क्या है कि वहाँ पे नकली टूरिस्ट पुलिस भी होती है, नकली पुलिस भी आपके साथ आके आपसे वो चार्जेस को ले सकती है, आपकी नकली स्लिप काट सकती है, नकली टिकट दे सकती है और उसके लिए ढेर सारे पैसे आपसे चार्ज कर सकती है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए है कि आप ऐसा काम करें ही ना। देखिए, आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही कर दें, कुछ भी थूकने को, फेंकने को, कुछ भी हो, खाली बॉटल्स अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी है उसको रोड पे फेंकने से अच्छा है कि आप डस्टबिन देख लें, उसी के अंदर डालें, आप उस स्कैम से बच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नकली पुलिस वाला आकर आपको डांटने लगे और एक मोटी रकम आपसे ऐंठ के ले जाए। इसके बचने के लिए ये आपके हाथ में है कि आप उससे कैसे बचें, आप उस गंदगी को ना फैलाएं, उस चीज़ को ना करें जिसकी वजह से हो। और देखिए, एक थाईलैंड के अंदर आप किसी भी रेड लाइट को, अगर रेड लाइट है वहाँ पे, तो आप उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें, वहाँ पे उसके लिए आपको अच्छा फाइन देना पड़ सकता है। इसलिए आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, खाली थाईलैंड नहीं, तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन को चेक कर लें, आप वहाँ पे गंदगी जाके ना फैलाएं थाईलैंड के अंदर हर एक जगह। और जब आप पटाया के अंदर जा रहे हैं, अगर आप बीचेस पे हैं, अगर वहाँ पे आप गंदगी कर रहे हैं, तो आपके मोटा चलान कट सकता है, काफ़ी मोटा चलान कट सकता है, आप उससे बचें, उस चलान से आपके हाथ में ही है। और देखिए कि दूसरा, कि जब भी अगर आप ऐसी नौबत आ जाती है, कहीं पे फेंक देते हैं, अगर आपको टूरिस्ट पुलिस पकड़ लेती है, तो पहले आप चेक कर लें उसके आई कार्ड को कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नकली ड्रेस में या नकली पुलिस वाला बताकर, नकली टूरिस्ट पुलिस बता के आपसे वो काफ़ी मोटी रकम को ऐंठ के ले जाए। दोस्तों, छठा जो कॉमन स्कैम है वो है बर्ड फीडिंग स्कैम। देखिए, वहाँ पे काफ़ी जगह लोग बाग अच्छी बर्ड्स को लेके खड़े हुए होते हैं, काफ़ी मॉल्स के बाहर भी काफ़ी जगह ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वहाँ पे लोकल्स बर्ड्स को लेके खड़े होते हैं, और आपको छोटे से उनको फीडिंग कराने के लिए, दाना खिलाने के लिए, थोड़ा सा आपको दाना देंगे उनको खिलाने के लिए, और उसके बाद काफ़ी मोटी रकम आपसे चार्ज करने के लिए बोल देते हैं, 100 baht से लेके 500 baht तक वो फिर आपसे मांगने लगेंगे। तो आप उस स्कैम से बचें। देखिए, ये बहुत से इंडियंस ने पूरे इंटरनेशनल ट्रैवल जो भी बैंकॉक कर रहे हैं, थाईलैंड कर रहे हैं, उनके साथ ये कॉमन है, क्योंकि लोग बाग उन बर्ड्स में एकदम से दिलचस्पी लेने लगते हैं कि फ़ोटो खिंचवाते हैं उनके साथ, तो उसमें आप फंसने से बचें। पहले आप उनके साथ रेट डिसाइड कर लें। देखिए, फ्री नहीं होता उनको दाना खिलाना, कहीं पे भी आप उनको जो बर्ड्स को फीडिंग करा रहे हैं उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप पहले ही फिक्स कर लें, ऐसा ना हो कि आपको थोड़े से दाने के लिए, थोड़े से फीड बीजेस के उनको खिलाने के लिए, फीडिंग के लिए आपको बहुत मोटी रकम देनी पड़ जाए। इसलिए पहले से ही आप उनके साथ एक रेट डिसाइड कर लें, और मिनिमम 20 baht से लेकर 50 baht में हो जाता है, लेकिन अगर आपने पहले डिसाइड नहीं किया है तो हो सकता है कि आपसे 100 से 500 baht तक
पैसे चार्ज करने लगे फोटो खिंचवाने के लिए उनके साथ और फीडिंग के लिए। इसलिए आप इस स्कैम से बचने के लिए पहले से ही उनसे रेट डिसाइड कर लें फीडिंग के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको फीडिंग के लिए आपसे अलग चार्ज किया जाए, आपने बर्ड के साथ फोटो खिंचवाई है तो उसके लिए वो आपसे अलग से चार्ज करने लगे। दोस्तों सातवां जो कॉमन स्कैम है थाईलैंड के अंदर वो है रेस्टोरेंट और बार स्कैम। देखिए जब भी आप थाईलैंड के अंदर जा रहे हैं घूमने के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी बार में ना जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ सिर्फ बियर पीने या शराब और लीकर का सेवन करने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए, या हो सकता है सिर्फ वहाँ देखने के लिए कि कैसे होते हैं उसके लिए अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ आप इस स्कैम में पड़ जाएं। और ऐसे बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को मैंने देखा है इस स्कैम में वो जल्दी से पड़ जाते हैं और उनका टारगेट भी होता है। देखिए जो वहाँ पे बार में जाएंगे वहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ हैं उनका टारगेट भी होता है, उनको ऐसा लगता है कि इंडियंस, पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, इनको जल्दी से टारगेट कर सकते हैं, आप इस टारगेट से बच सकते हैं। देखिए जब भी आप बार में जाकर बैठे हैं, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें जल्दी से फंस जाएं, अगर आप ग्रुप में भी तो फिर भी आपके साथ हो सकता है कि एक खूबसूरत सी लड़की, यंग लड़की आपके पास आकर बैठ जाए, आपको टच करने लगे और फिर आपसे ढेर सारी बातें करने लगे अच्छी, और आप उससे इम्प्रेस हो जाएं और फिर वो आपसे एक ड्रिंक के लिए कहेगी कि मुझे ऑफ़र करेगी कि मुझे एक ड्रिंक पिला दीजिए, और शायद आप उसको बोल देंगे क्योंकि जो भी वो ड्रिंक ऑर्डर करेगी वो शायद वो बियर नहीं होगी, वो कुछ और होगा। हो सकता है कि एक वो छोटा सा ड्रिंक काफ़ी महंगा पड़ जाए जिसके चार्जेस 400-500-600-700 baht तक हो सकते हैं। तो जब भी अगर आपको इसको बेचना है तो आप अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ बार में ना जाएं, उन लड़कियों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली ना हो। अगर वो आपसे कोई डिमांड भी करते हैं, जो आप बियर पी रहे हैं वहाँ पे, जो पी रहे हैं आप उनको वही ऑफ़र कर सकते हैं, उनका कोई स्पेशल ड्रिंक आप ऑफ़र ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो पहले उसके अच्छी तरह रेट चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस स्कैम के अंदर पड़ जाएं और जब आप बाहर से जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा मोटा पैसा वहाँ पे देना ना पड़ जाए। तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं, आप पहले ही या तो उन लड़कियों के चक्करों में ना पड़ें, अगर आप पड़ भी गए हैं तो आप सिर्फ वही ड्रिंक उनको ऑफ़र करें जो आप पी रहे हैं, जो सस्ती है, क्योंकि थाईलैंड में बियर ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप बाहर के अंदर भी जाके पी रहे हैं तो शायद आपको इंडियन करेंसी में 200 से ऊपर नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आप वहाँ पर चेक कर लें अगर जो ड्रिंक उन्होंने ऑफ़र की है कि वो एक्सपेंसिव तो नहीं है, आपकी जेब पर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी, तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं खुद ही। दोस्तों जो आठवां स्कैम है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसमें हर कोई नहीं फंसता। देखिए कुछ लोग जो बैंकॉक जा रहे हैं वो कुछ मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, बूम बूम के लिए जा रहे हैं, गपा गप के लिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बातचीत कर रहा हूँ, उन लोगों के फंसने के चांसेस वहाँ इस केस में ज़्यादा होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या वैसे मस्ती करने हैं थाईलैंड को एज ए टूरिस्ट, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ के डेस्टिनेशन को, अगर आप देखने जा रहे हैं वहाँ के टेम्पल्स को या जो भी है वहाँ पर, अगर आप उसको देखने जा रहे हैं तो आप इस स्कैम में नहीं पड़ेंगे। अगर आप जा रहे हैं मौज मस्ती के लिए, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं आप, कि अगर आप उस कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ इस स्कैम में फंस सकते हैं। लेडी बॉय वहाँ एक बड़ा कॉमन है, लेडी बॉय के चक्कर में आप वहाँ ना फंस जाएं। बहुत से लड़के हैं जो कि अपना सेक्स चेंज करा लेते हैं या ड्रेसअप ऐसा कर लेते हैं कि वो बिल्कुल लड़कियों की तरह लगते हैं, आप उसमें फंस सकते हैं। जब आप उनको होटल ले आएंगे तो हो सकता है वो रूम में आपके साथ मारपीट करें जब आप उनको देखेंगे, और आपसे काफ़ी मोटी रकम वो छीन कर ले जाएं, इसलिए आप उनसे बचें लेडी बॉय से। अगर आप ऐसी चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो एक सिक्योर प्लेस देख लें, वहाँ पता कर लें, और जब भी आप उसको अपने होटल के कमरे में ला रहे हैं तो उससे पहले उसका जो भी आई कार्ड है वो होटल के रिसेप्शन पे जमा करा दें, क्योंकि अगर आप इसमें फंस जाते हैं जब वो जाएगी तो रिसेप्शन से वो अपना आई कार्ड ज़रूर लेगी या लेगा, तो उस वक्त क्या होगा कि वो आपके रूम में कॉल करेंगे, जब आप उसको क्लियरेंस दे देंगे तो जब भी उसको उसका आई कार्ड वापस मिलेगा, इसलिए आप उनसे बचें। देखिए लेडी बॉय को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, इसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो बना दूंगा कि लेडी बॉय और गर्ल्स में कैसे हम डिफरेंसेस कर सकते हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं थाईलैंड के अंदर, उसके पर जल्दी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे डिफरेंसेस कर सकते हैं। लेकिन आप इससे बचने की कोशिश करें। एक छोटा सा कॉमन मैं आपको बता देता हूं, जो भी लेडी बॉय होते हैं उनकी जो लेग्स के साइज़ होते हैं वो लड़कियों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं। अगर हम वहाँ की लड़कियाँ देखेंगे तो उनके लेग्स छोटे होते हैं, लेकिन जो लड़के हैं वहाँ पर उनके लेग्स बड़े होते हैं,
तो अधिकतर वहाँ पे शाम को आपको जगह जगह खड़े हुए लेडी बॉय मिल जाएंगे और वो आपको काफ़ी चीप रेट के अंदर ऑफर करेंगे, तो आप उस कम रेट के चक्कर में उसके अंदर ना पड़ जाएं, उस लेडी बॉय के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि वो रूम में आके आपके साथ मारपिटाई करें या आपका सामान तक छीन कर ले जाएं। आप इससे बचें अगर आप उस कार्य के लिए थाईलैंड के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों जो नोवा स्कैम है वो है करेंसी स्कैम। देखिए ये करेंसी स्कैम आपके साथ किसी भी कंट्री के अंदर हो सकता है, खाली थाईलैंड के अंदर ही नहीं है, किसी भी कंट्री में आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप जब भी किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप वहाँ की करेंसी से वाकिफ नहीं होते हैं, वहाँ के नोटों से वाकिफ नहीं होते। इंडियन करेंसी आप देख के ही आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आपको पता होता है 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 20 का है, या 10 रुपीज़ का है, या 200 का नोट है। लेकिन अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपको वहाँ की करेंसी के बारे में नहीं पता है कि 100 बाट है, 1000 बाट है, या 50 बाट है, 20 बाट है, कुछ वहाँ पे सेम कलर के भी नोट हैं। तो आप उससे बचें जब भी आप वहाँ पे करेंसी को दे रहे हैं बड़े करेंसी के नोट के रूप में, और अगर वो आपको चेंज दे रहे हैं तो आप अच्छी तरह वहाँ पे चेक कर लें। ऐसा ना हो कि आपने किसी को वहाँ 1000 बार दिए, 200 का सामान लिया, 800 रिफंड लेने हैं बार, तो आपको 600 700 ही दे, पूरी करेंसी ना दे वहाँ पे, आपको ढेर सारी चेंज पकड़ा दे और आप उसको ऐसे ही रख लें। तो आप चेक करना ना भूलें, ये वहाँ पे कॉमन होने वाला स्कैम है जो वहाँ हर एक के साथ किसी के भी साथ घटित हो जाता है। तो आप वो करेंसी स्कैम को देख लें, खास तौर से जब भी आप वहाँ लोकल मार्केट कर रहे हैं, चट्टू चक गए हैं या पटाया नाइट मार्केट में या वॉकिंग स्ट्रीट पे गए हैं छोटे शॉप्स के ऊपर, तो वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जब भी आप वहाँ करेंसी ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फेक नोट करेंसी वहाँ पे ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा वहाँ की करेंसी को लेते हुए कि कहीं वो आपको गलत करेंसी या कम तो पैसे नहीं दे रहे हैं। दोस्तों दसवां स्कैम जो है वो है जेम्स स्कैम, थाईलैंड के अंदर जो होता है। देखिए इंडियंस को ढेर सारे स्टोन्स को लेके पहनने का बड़ा शौक होता है, अपनी अंगूठियों के अंदर, अपने रिंग्स के अंदर, कोई नीलम कोई पुखराज, ढेर सारे स्टोन्स आते हैं जो हम पहनते हैं कॉमन, और ये थाईलैंड के अंदर कॉमन मिलते हैं। तो आप इस स्कैम में फंस ना जाए, कहीं आपको कोई टुक टुक वाला या कोई आपको ऐसी जगह ले जाए अच्छी शॉप के ऊपर कि यहाँ पे ओरिजिनल स्टोन मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, आप यहाँ परचेज कर लीजिए। आपको जो इंडिया में मिलते हैं जिस रेट पर, आपको हो सकता है कि वहाँ पे डबल या ट्रिपल रेट के ऊपर वो आपको बेच दें, और जब इंडिया आके आप उसको चेक कराएं तो पता चले कि उन्होंने आपको एक कॉमन सा पत्थर ही पकड़ा दिया है। तो आप वहाँ अवॉइड करें उसको लेने के लिए, और किसी की भी बातों में ना आएँ, किसी टैक्सी वाले के या ऑटो वाले के या कोई आपका टूरिस्ट एजेंट है, आप उसकी बातों में ना आएँ, और आप किसी भी शॉप पे जाके ऐसे शॉपिंग करने ना लगें। ये हमारा एक कॉमन स्कैम है कि वो आपको जेम्स के लिए ऑफर करेंगे कि आप जाएँ इन स्टोन्स को परचेज कर लें, लेकिन आप इस स्कैम से खुद ही बच सकते हैं। आप उसको अवॉइड कर दें परचेज करने को, आप इंडिया से ही ले लें, अपनी जान पहचान शॉप से, हो सकता है आपको थोड़ा महंगा मिले, लेकिन ये तो है कि आपको ओरिजिनल तो मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप थाईलैंड जाके उसको महंगा भी लें और बाद में इंडिया आके पता चले कि वो आप नकली लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज हमने बातचीत की 10 कॉमन स्कैम जो थाईलैंड के अंदर आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि थाईलैंड के ऊपर और वीडियो को बनाऊं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेल कर सकते हैं। थाईलैंड के ऊपर जल्दी हम और वीडियो लेकर आएंगे, जल्दी में लेडी बॉय और डिफरेंस कर सकते हैं लड़कियों में कैसे, वो वीडियो मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। अगर आप थाईलैंड के बारे में और वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हम जल्दी थाईलैंड के ऊपर और वीडियो को बना देंगे।